हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं जिस ट्रांसफॉर्म के नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है कोरिलेशनल प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। जो नए व्यूअर हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस पर वॉचिंग किया है, तो उनसे मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, और आपको अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आपका कंसेप्ट क्लियर होता हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। कोरिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कोरिलेशनल प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगा? जेट ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए, इस प्रॉपर्टी के अंदर कहता क्या है, बेसिकली कोरिलेशनल प्रॉपर्टी होता क्या है, कोरिलेशन होता क्या है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं तो कोरिलेशनल प्रॉपर्टी इज बेसिकली मेजर द सिमिलरिटी ऑफ टू थिंग्स को क्या करता है, सिमिलरिटी को ये मेजर करता है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि सम्स डिले कर करके और हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू जेट ट्रांसफॉर्म। सपोज मान लेते हैं कि ये आपका सिग्नल है X1 और इसका आपका N है, ये आपका डिस्क्रीट सिग्नल है, इसका आपका जेट ट्रांसफॉर्म जब हम लोग करते हैं तो कैपिटल आता है X1Z। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या रहा है X2N और इसका आपका जेट ट्रांसफॉर्म जो है वो आया है X2Z। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू कोरिलेशन, यहाँ पर कोरिलेशनल प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, तो स्मॉल r कहते हैं X1 X2 और सम डिले बाय L। हियर L इज नथिंग बट इट इज अ डिले ऑफ सिग्नल बिटवीन X1 एंड X2। X1 और X2 के बीच में हम लोग क्या करते हैं जो डिले को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज बाय L। और इसके जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा N इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। यहाँ क्या होगा, X देखिए फर्स्ट है तो यहाँ होगा आपका X1 N इंटू X2 N माइनस क्या होगा N माइनस L, वेयर L यहाँ पर क्या देखा L जो है वो जिसमें क्या हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया डिले। जब इसका हम लोग क्या करते हैं कि जेट ट्रांसफॉर्म लेते हैं, इसका जेट ट्रांसफॉर्म तो स्मॉल r है तो इसका क्या होगा कैपिटल और यहाँ पर क्या होगा X1 X2 अब इनटू क्या होगा, जहां L है उसके जगह पर क्या आ जाएगा आपका कैपिटल J। ठीक है, J आ गया और इस पूरे वैल्यू को जब हम लोग हटाएंगे तो इसका वैल्यू जो आता है प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यहां से हम लोग क्या कहेंगे X1Z इनटू क्या होगा X2Z इनवर्स, ये आपका क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशनल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरिलेशनल। ठीक है ना, कोरिलेशनल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटो, ठीक है ना, अब एक तो होता है क्रॉस कोरिलेशन। तो क्रॉस कोरिलेशन का अर्थ क्या हो गया कि जब हम लोग दो सिग्नल्स को एक साथ करेंगे तो क्रॉस कोरिलेशनल होगा, अब जब ऑटो रहेगा तो हम लोग सेम की डिस्क्रीट सिग्नल्स का हम लोग सेम के साथ क्या करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि X11 है तो देखा ना एक और दो है, तो इसको बोलते हैं लोग क्रॉस कोरिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, तो कोरिलेशन बेसिकली क्या होंगे, दो टाइप्स के हो जाएंगे। यहां से होगा फर्स्ट होगा आपका ऑटो को रिलेशनल, ठीक है ना, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा आपका क्रॉस को रिलेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले देख रहे हैं ना, ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका क्या हो गया क्रॉस कोरिलेशन। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये X1N है और इसके जगह पर लिखा हुआ है 1, 2 और 3। इसमें हम ऐसे कर दिए हैं, बार का मतलब क्या होगा कि यहां से ये ओरिजिन है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह से दूसरा X2N है और जिसमें आपका लिखा हुआ है सपोज यहां पर मान लेते हैं कि यहां 2 है 1 है और 3 है, सपोज 2 और 3 मान लेते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कहें 2 1 ही मान लीजिए, छोटा सा लेकर चलता हूं। यहां पर भी आपका लिखा हुआ है ऐसे, तो बेसिकली क्या होगा कि 1 2 3 का मतलब क्या होगा कि यदि हम लोग सेट के आधार पर देखते हैं
तो इसका हम लोग जब प्लॉट करेंगे ग्राफ को, तो यहां पर क्या होगा, ये एक्स वन एन हो गया और इस पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, एन दिख रहा है, ये देख रहे हैं ना वन है, अर्थात क्या होगा कि ये ओरिजिन पर है, एन बराबर जीरो, एन बराबर वन और एन बराबर क्या होगा टू। इसकी जो हाइट यहां पर है इसकी वैल्यू कितनी है वन, इसकी यहां से देखिए एन बराबर वन पर इसकी हाइट कितनी हो गई आपका, दिस इज योर टू, और यहां से देख रहे हैं ना इसकी जगह पर इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज योर थ्री, ये आपका एक्स वन एन हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स टू एन को ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा वैल्यू, देखिए यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट एन बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर आपका टू है और यहां से आपका इसका वैल्यू कितनी है वन, तो ये आपका हो गया एक्स वन, यहां पर क्या हो गया एक्स टू एन, यहां से हम लोग एन को दिखला रहे हैं, ठीक है ना, यहां से एन बराबर जीरो, ये एन बराबर क्या है वन है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये बेसिकली क्या होगा, तो ये इम्पल्स फंक्शंस है, तो इम्पल्स फंक्शंस का हम लोग जब जिस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो काफी इजी होता है, कैसे करते हैं, तो फर्स्ट के लिए हम लोग करेंगे तो क्या होगा एक्स वन जेड का फाइंड करना है, तो फर्स्ट क्या हो गया वन प्लस इसका क्या होगा तो टू इंटू जे टू दी पावर माइनस वन, और इसका क्या हो गया थ्री इंटू जे टू दी पावर माइनस टू। नहीं समझ में आया, जब नहीं समझ में आया है तो आप इस ग्राफ से देखिए, इस ग्राफ में एक्स वन एन को यहां से देखिए, इसको हटाता हूं कलर के लिए, यहां से आप देखिए यहां एक्स वन एन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे डेल्टा एन, देखिए यहां से डेल्टा को शिफ्ट किया जा रहा है कितने पर, तो डेल्टा एन माइनस वन और इंटू टू प्लस क्या है थ्री इंटू डेल्टा एन माइनस थ्री। अब देखिए एन माइनस थ्री नहीं, यहाँ एन माइनस क्या है सॉरी टू है, यहाँ क्या है टू है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए डेल्टा एन का वन जानते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए जेड एन माइनस वन का प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हो, तो डेल्टा एन माइनस के का जेड ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या होता है जेड टू दी पावर माइनस के होता है, ठीक है ना। तो यहां से इसका वैल्यू माइनस वन, इसका वैल्यू क्या होगा माइनस टू। इसी प्रकार से हम लोग एक्स टू का निकालेंगे, तो एक्स टू बराबर क्या था, एक्स टू एन इज इक्वल टू कितनी थी वैल्यू इसकी, तो हम लोग कह सकते हैं क्या डेल्टा एन था और इंटू टू और प्लस क्या था डेल्टा एन माइनस वन था, इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा एक्स टू जेड, जेड निकालेंगे तो क्या होगा टू प्लस यहां पर क्या होगा इसका वैल्यू हो जाएगा आपका जेड टू दी पावर माइनस वन। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा हमारा काम क्या करना है, तो यहां से हमें फाइंड करना है एक्स टू जेड इनवर्स, अर्थात जैसे ही हम लोग करेंगे तो हो जाएगा टू और यहां क्या होगा जेड टू दी पावर माइनस वन टू दी पावर माइनस वन, माइनस क्या होगा प्लस, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा टू प्लस जेड। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देयर फोर यहां से क्या होगा, तो यहां से होगा आर एक्स वन एक्स टू इंटू जेड इज इक्वल टू क्या होगा एक्स वन जेड इंटू क्या होगा एक्स टू जेड इनवर्स। इसकी वैल्यू कितनी है आप देख रहे हैं कितना वैल्यू है, तो यहां है वन प्लस टू इंटू जेड इनवर्स और थ्री इंटू जेड इनवर्स माइनस टू, इसके जो वैल्यू आप लोगों का आया है टू प्लस जेड, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू यहां होगा फोर जेड इनवर्स, यहां टू थ्री सिक्स, सिक्स जेड के पावर माइनस टू, यहां से करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका जेड, ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा टू, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा थ्री इंटू जेड इनवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं ना इसमें आपका जेड पॉजिटिव आपको पहले लिखिए, फर्स्ट पॉजिटिव से शुरू करेंगे तो जेड हो गया, जेड के पास फिर क्या आएगा प्लस, देखिए टू और टू मिलने कितना हो गया फोर, यहां पर क्या करेंगे देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक नेगेटिव आदमी है तो हम लोग क्या करेंगे सेवन जेड के पावर माइनस वन कर देंगे और यहां पर क्या हो गया आपका देखिए यहां पर कितना होगा सिक्स जेड के पावर क्या होगा माइनस टू, यही आया देखिए। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू ए आपका ऐसा आया, ठीक है, फिर से हम लोग देख लेते हैं टू से किया था तो टू 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 फोर और टू टू जो सिक्स, फिर जेड से किया तो जेड, यहाँ जेड से करेंगे तो क्या होगा टू और इसमें करेंगे तो क्या होगा थ्री जेड के पावर माइनस वन। हम लोग क्या किए हैं फर्स्ट जेड को रखे यहाँ पर, ठीक है, ये क्लियर हो गया खत्म हो गया,
इसके बाद फोर आया है तो फोर कैसे आया, तो टू प्लस टू फोर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो गया फोर, और यहाँ पर कितना था थ्री, तो फोर प्लस थ्री कितना हो गया सेवन, जेड माइनस वन, और यहाँ पर क्या होगा सिक्स जेड के पावर माइनस टू। तो दिस इज क्या हो गया कोरिलेशनस, यहाँ पर क्या होगा प्रॉपर्टी ऑफ जेड माइनस। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि ये ऐसे निकाल देंगे इसी को, क्योंकि इसमें आपका टाइम लगा हुआ है, इसी स्टेप को हम लोग क्या कर सकते हैं एक लाइन में कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। तो उस मेथड को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां से हमें क्या करना होगा कि सपोज यहां पर क्विक मेथड, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि शॉर्टकट, इस शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करेंगे एक लाइन में मिला सकते हैं, दस सेकंड मिला सकते हैं, तो ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले हमारा सिग्नल क्या था एक्स वन एन था, इसमें वैल्यू कितनी थी तो वन टू एंड थ्री, यहां पर एरो किया हुआ था, अर्थात ओरिजिन इज जस्ट एट वन, मतलब जहां ओरिजिन है ना उसका सैंपल का वेट, मतलब जो आपका इम्पल्स हो रहा है ना उसकी हाइट कितनी है वन। यहां से आपका एक्स टू एन जो था इसकी वैल्यू कितनी थी, तो आप फर्स्ट में आप कितना लिए थे, याद है आप लोगों को, फर्स्ट लिया था आपने टू और बाद में लिया था कितना कॉमा देकर कितना लिया था वन, अर्थात यहां है, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग करेंगे तो इसका निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि फर्स्ट यहां से आपको क्या करना है आर एक्स वन एक्स टू और इंटू एल निकालना है। तो यहां से देखिए फर्स्ट सिग्नल को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, क्या हो गया वन टू और थ्री, पहला हमने ऐसे आप इधर बाएं तरफ लिखिए या दाएं तरफ लिखिए, इट इज नॉट फैक्टर्स, ठीक है। यहां से हमें क्या करेंगे इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करने का मतलब क्या होगा कि देखिए इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा वन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा टू, और देखिए एरो जो था यहाँ पर देखिए इसमें एरो कहाँ था तो इस जगह पर एरो था, इसमें एरो कहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, दस सेकंड में आ जाएगा, क्या होगा वन इंटू वन वन, वन इंटू टू टू, और वन इंटू थ्री क्या होगा थ्री, टू से करेंगे तो टू वन या टू, टू टू जै कितना होगा फोर, और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो टू थ्री जै कितना होगा सिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे 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 ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा therefore क्या होगा कि r x1 x2 into l equals to क्या होंगे, क्योंकि पहला आया वन दूसरा आया टू प्लस टू फोर, और यहाँ चार प्लस तीन कितना हो गया सात, और लास्ट में कितना आएगा छह। अब देखिए इसका देखिए तो यहां से यही चीज अपन आया है, यहां पर कितना आया है तो फर्स्ट आया वन फिर फोर फिर सेवन और सिक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए एरो हम कहां बैठाएंगे अर्थात ओरिजिन कहां शिफ्ट होगी, इसको हमको ध्यान रखने हैं क्योंकि तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखिए इसका पोजीशन ओरिजिन से कितना है एक, और यहां से कितना है एक, तो पोजीशंस ऑफ ओरिजिन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, मतलब इसका पोजीशंस कितने हैं टोटल टू है, और इसकी पोजीशंस कितने हैं वन है, तो टू प्लस वन, मतलब यहां पर क्या होगा पोजीशंस ऑफ ओरिजिन, यहां लिखा है पोजीशन ऑफ ओरिजिन बराबर क्या होगा सब कुछ इससे एक्स, एक्स कितना होगा क्या है आपका एम है, अब यहाँ इधर एम है तो दोनों का क्या होगा माइनस वन, वेयर क्या हो गया तो एम हो गया पोजीशन ऑफ ओरिजिन इन फर्स्ट, फर्स्ट क्या होगा सैंपल ना, इसी तरह से एम टू बराबर क्या होगा आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें दो है और इसमें एक है, तो दो में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा टू में वन जोड़ेंगे तो क्या होगा टू प्लस वन और माइनस वन, अर्थात दोनों कट जाएगा वैल्यू कितनी आएगी टू। तो यहां से हम लोग दूसरा जो प्लेस होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे, ठीक है ना। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं केवल 10 सेकंड से 12 सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं कोरिलेशन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे इक्वेशन सो दिखाता हूं, जैसे एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू में क्या है कि जैसे आपका x1 n का वैल्यू दिया हुआ है सपोज 1 है 2 है 3 है, यहां पर 1 है, ठीक है ना। यहां से आपका ऐसे दिया हुआ है, यहां पर आपका ओरिजिन ऐसे किया हुआ है, ठीक है, यहां पर माइनस 3 कर दो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम लोग क्या कर लेंगे x2 n ले लिए हैं, इसके जगह पर हम लोग ले रहे हैं सपोज 2 ले लिए 3 ले लिए, ठीक है, यहां पर आपका ओरिजिन ऐसे किया हुआ है, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है तो r आपका x1 x2 स्मॉल r कहिए, ठीक है ना, r x1 x2 मतलब यहां क्या करना है क्रॉस को रिलेशन
ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एन लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग जानते हो समेशन एन बराबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एन अब इनटू क्या होगा एक्स टू एन माइनस एन। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका हमको निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट वाला में देखिए पहले वन आ रहा है तो वन लिखेंगे, देखिए एक्स वन है तो इसको छोड़ देंगे, वन टू माइनस थ्री और वन, इसमें देखिए ओरिजिन आपको ऐसे रिप्रेजेंट दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा वाला में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट चेंज कर देंगे, जो आपका देखा ना ये आपका लेफ्ट से राइट है तो राइट से लेफ्ट लिखेंगे, अर्थात यहां सबसे पहले क्या होगा दिस इज योर थ्री और यहां पर क्या होगा ये टू होगा। ठीक है ना, इसको आप यहां पर भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए यहां पर ओरिजिन इसकी कहां पर आ गई, यहां पर आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा दिस इज योर आपका होगा एक्स वन एन और ये जो आपका आया एक्स टू माइनस एन आ गया, एक्स टू माइनस एन। ठीक है, हम लोग जब करेंगे तो क्या होगा वैल्यू, थ्री वन या थ्री, थ्री टू या सिक्स, थ्री थ्री या कितना होगा नाइन और यहां पर क्या होगा थ्री, टू वन या टू, यहां कितना होगा टू टू या फोर, टू टू या फोर, टू थ्री या कितना होगा सिक्स विथ निगेटिव साइन और यहां पर क्या होगा थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे 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 जोड़ देंगे, तो देखिए फर्स्ट कितना वैल्यू आएगा, देयर फोर आर एक्स वन एक्स टू इन टू एल इक्वल टू क्या होगा, कितना वैल्यू आया देखिए फर्स्ट आया थ्री, दूसरा कितना आया सिक्स प्लस टू एट, सिक्स प्लस टू एट, नाइन में जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस फाइव और इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस थ्री और यहां पर क्या हो गया टू। ठीक है ना, अब यहां से देखिए इस जब ये वैल्यू हमारा निकल चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ओरिजिन की बात करें, देखिए यहां से पोजीशन का कितना एक है, यहां से ओरिजिन का पोजीशन कितना है दो है, तो दो में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा थ्री और थ्री में से एक सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना होगा टू आएगा, अर्थात वन टू और यहां पर क्या हो गया टू, यहां पर आपका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया, अर्थात आपको निकालना होगा कि आर एक्स वन एक्स टू इन टू जेड निकालिए तो बहुत आसान है, क्या निकालेंगे तो फर्स्ट देखेंगे थ्री और यहाँ पर क्या हो गया थ्री जेड के पावर क्या हो गया प्लस वन, क्योंकि आपका बाय लेफ्ट साइड में है, यहाँ होगा एट प्लस यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस फाइव इंटू जेड माइनस वन, फिर यहाँ पर क्या हो गया माइनस थ्री इंटू जेड के पावर माइनस टू और यहाँ पर क्या हो गया टू इंटू जेड के पावर क्या हो गया थ्री विथ निगेटिव साइन, यहाँ पर क्या होगा निगेटिव साइन होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ना आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, जब हम लोग फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे आपको फंक्शन लिखना चाहता है तो आर एक्स वन एक्स टू इंटू एन में लिखना चाहेंगे तो फर्स्ट क्या लिखाएगा थ्री इंटू डेल्टा एन प्लस वन प्लस एट इंटू डेल्टा एन, फिर यहाँ पर पांच लिखना चाहते हैं तो माइनस फाइव इंटू, देखिए इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं कितना, तो यहाँ होगा एन प्लस वन एन माइनस वन, एन माइनस क्या होगा वन, फिर क्या होगा माइनस थ्री डेल्टा एन माइनस टू और यहाँ पर क्या होगा टू इन टू डेल्टा एन माइनस क्या होगा थ्री, तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपका जब कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकालना रहेगा या क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन निकालना रहेगा तो उसको हम लोग इजिली इवैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे इसी को हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से निकाल के देखते हैं क्या आता है पहले। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को हम लोग चूंकि देखिए इसको हम लोग एक्स पर ले रहे थे, हम दूसरे कंडीशन में क्या ले रहे हैं कि इसको इस पर ले रहे हैं वर्टिकल में, तो वन टू और यहां पर क्या हो गया माइनस थ्री और यहां पर क्या हो गया माइनस वन नहीं प्लस वन, यहां पर आपका ओरिजिन की पोजिशन कितनी है यहां पर है दिस इज योर एक्स वन एन है और यहां से क्या है आपका एक्स टू है, तो एक्स टू का मतलब क्या होगा इसको रेफरेंस में पलट देंगे ना तो इसके यहां पर क्या होगा फर्स्ट आ जाएगा थ्री और बाद में आ जाएगा टू, ओरिजिन का पोजिशन क्या है यहाँ और मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू थ्री थ्री, इसमें क्या होगा टू, इसमें कितना होगा टू थ्री या सिक्स, टू टू या फोर, यहाँ पर कितना होगा थ्री से थ्री करेंगे तो क्या होगा माइनस नाइन और यहाँ कितना होगा थ्री टू या सिक्स और यहाँ पर क्या हो गया थ्री से होगा ना थ्री या सिक्स और यहाँ पर क्या होगा थ्री और यहाँ पर क्या होगा टू। अब इसका हमको फाइंड करना है तो ऐसे 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 ही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात यहाँ से क्या होगा ये आपका हो गया एक्स टू विथ निगेटिव साइन एक्स टू माइनस एक्स, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो फर्स्ट कितना आया था तो थ्री, दूसरा में कितना आएगा सिक्स प्लस एट एट हो जाएगा, इसमें हम लोग कितना करेंगे तो माइनस फाइव, उसमें कितना आया था तो माइनस थ्री है और यहाँ पर क्या हो जाएगा कटू, तो देख रहे हैं कितना हम लोग सिंपल वे से एक्स वन एक्स टू इंटू एल मतलब हम लोग कोरिलेशन जिसको हम लोग क्या कहेंगे
क्रॉस कोरिलेशंस क्या हुआ है आपका, क्रॉस कोरिलेशंस ऑफ टू डिस्क्रीट फंक्शंस का हम लोगों ने निकाला ना। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑटो कोरिलेशंस फंक्शंस भी निकाल सकते हैं। जैसे ऑटो का मतलब क्या होगा कि हम लोग सेम फंक्शन से ही हम लोग सेम फंक्शन क्या निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, कहता है फाइंड ऑटो को रिलेशन ऑफ एक्स वन एन इक्वल्स टू आपका है वन टू और यहां पर क्या हो गया माइनस थ्री, इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बताइए आप लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि अर्थात क्या होगा कि यहां पर x2n बराबर क्या होगा x1n और दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 2 और यहां पर क्या होगा माइनस 3, ठीक है ना। यहां से हमारा क्या है तो r आपका पहले x1 x2 होता था, अब x1 x1 इंटू क्या है l है, ठीक है ना। अर्थात फॉर्मूला जो हम लोग निकालेंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का, तो यहां से क्या होगा n बराबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्या होगा x1n इंटू क्या होगा x2 नहीं होगा बल्कि क्या होगा x1n माइनस क्या होगा l, मतलब दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं डीले देख रहे हैं कितना सिमिलरिटी है। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट का तो आप लोग जानते हो तो x1 है ना, इसका हम लोग z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो x का क्या होगा, तो चूंकि x1n इक्वल टू आपका वैल्यू देखिए यहां पर आपका ओरिजिन दे रहा हूं, सपोज यहां पर ओरिजिन है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा एन प्लस वन, ठीक है प्लस टू इंटू डेल्टा एन और यहां पर क्या होगा माइनस थ्री इंटू डेल्टा एन माइनस वन, ठीक है। अर्थात जब हम लोग इसको वेव पे दिखाएंगे तो ऐसे आपका होगा यहां पर आपका हो जाएगा दिस इज जीरो टू जीरो पर, इस पर कितना होगा माइनस वन है ना, माइनस वन पर इसकी हाइट कितनी है दिस इज योर हाइट वन, ठीक है ना, इसकी हाइट वन है और यहां से देख रहे हैं ना यहां पर जब वन माइनस वन ले रहे हैं तो इसकी हाइट कितनी है माइनस थ्री, अर्थात ये आपका सेफ हो गया। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा एक्स टू जेड, मतलब यहां पर क्या होगा कैपिटल एक्स वन जेड निकालेंगे तो इसका क्या होगा तो जेड की पावर प्लस वन टू इंटू वन और यहां पर माइनस थ्री इंटू जेड माइनस वन। एक्स टू का क्या करना है तो एक्स टू जेड इनवर्स निकाल रहे हैं जो कि आपका क्या होगा वो जो होगा x1 का ही तो हो जाएगा, x2 और x1 में दोनों में तो अंतर नहीं है यही हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा यहां हो जाएगा z माइनस वन, यहां होगा 2 और यहां पर क्या होगा 3 प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे देयर फोर आर एक्स वन एक्स टू इंटू एक्स वन इंटू एक्स वन एल एल की जगह पर क्या होगा जेड और बराबर क्या होगा एक्स वन जेड इंटू एक्स वन जेड इनवर्स, अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा वैल्यू आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं, कैसे ध्यान दीजिए इसे आपको वैल्यू निकालिएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल में लिखेंगे ऐसे कितनी है 1, 2 और यहां पर क्या है -3, यहां पर आपका रेफरेंस ऐसे किया हुआ है। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां लिखेंगे जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करेंगे तो कितनी होगी -3, 2 और यहां पर क्या हो गया 1, ओरिजिन देखिए यहां भी ओरिजिन है, यहां से आपका क्या होगा तो दिस इज योर आपका हो गया x1n और यहां पर क्या होगा x1 माइनस एन, ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा -3, यहां कितना होगा 3 2 6 -6 3 3 9 +9 इसमें करेंगे तो 2 और यहां कितना होगा 2 4 और यहां कितना होगा 2 3 6 यहां पर क्या होगा 1 इसमें हो जाएगा 2 और यहां कितना होगा -3। अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे 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 कर लेंगे अर्थात क्या होगा कि ऑटो को रिलेशन ऑफ x1 ना इज क्या होगा तो यहां पर r आपका x1 x2 z बराबर यहां पर z n में भी लिख रहे हैं तो n में लिखेंगे तो क्या होगा फर्स्ट आएगा वैल्यू -3 दोनों को ऐड कीजिएगा तो -4 इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 9 4 13 13 14 ठीक है ना इसमें करेंगे तो -4 और यहां पर कितना हो गया -3 ठीक है ना। अब देखिए पोजीशन ऑफ ओरिजिन कितना है यहां 2 है यहां भी क्या है 2 है तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो एम प्लस एन माइनस वन पीछे बताया था ना पोजिशन ऑफ ओरिजिन 2 + 2 - 1 अर्थात इसका वैल्यू कितना होगा 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड से फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर क्या होगा ओरिजिन हो जाएगा।
सो यही जो है दिस इज योर शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस और कोरिलेशन फंक्शंस ऑफ गिवन डिस्क्रीट फंक्शंस। ठीक है, तो आज का क्लास में यही स्टॉप करता हूँ। जो स्टूडेंट्स जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो और लेक्चर आप लोग का कंसेप्ट क्लेरिफाई हुआ होगा, स्पष्ट हुआ होगा, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि इसका बेनिफिट दूसरे स्टूडेंट्स को भी प्राप्त हो। धन्यवाद।